दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नजला जुकाम, सर्दियों की वजह से जो हो जाता है उसके लिए एक बहुत ही रामबाण, बहुत ही अच्छा नुस्खा लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियां आने को हैं, इसलिए अपने घरों में कुछ चीजें ऐसी रख लें जो सर्दी, खांसी और जुकाम और या नजला जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सके, और वो भी बहुत आसानी से। दोस्तों, यूं तो मार्केट में बहुत सारी एंटीबायोटिक और बहुत सारी दवाएं हैं जिनसे नजला और जुकाम को भगाया जा सकता है या उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि यदि आप एलोपैथिक दवा खाते हैं तो सर्दी और जुकाम को तो वो इमिडिएटली रोक देगा, लेकिन होगा क्या, जो जुकाम के दौरान बलगम बहता है नाक से, वो नहीं बहेगा, वो सिर के अंदर ही जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से साइनस या माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। सिर में दर्द हमेशा बना रहेगा और जल्दी से छुटकारा उससे नहीं मिलेगा। दोस्तों, कभी भी यदि जुकाम हो जाए और नजला हो जाए, उसमें भी कभी भी भूल कर भी एलोपैथिक दवाइयाँ ना खाएं, या तो होम्योपैथिक का सहारा लें और इससे भी बेस्ट आयुर्वेद का सहारा लें। ये दो चीज़ें हैं, जो दो पद्धतियाँ हैं, जो दवाइयाँ आप लेंगे ये आपको हमेशा उससे अच्छी तरह से छुटकारा दिला पाएंगे और जुकाम या नजला सिर में नहीं रुकेगा, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ता और बहुत ही बढ़िया, हजारों बार इस्तेमाल किया हुआ नुस्खा है, जो नजला और जुकाम के लिए रामबाण का काम करता है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये है सुहागा। सुहागे का एक छोटा सा पीस आप ले आएं, किसी भी पंसारी या किसी भी परचून की दुकान से वो मिल सकता है, बहुत आसानी से उपलब्ध है। सुहागा ले आएं और उसको गर्म तवे पर या लोहे की कढ़ाई में डालकर हल्का सा उसको गर्म करें, और वो जैसे जैसे गर्म होता जाएगा वो पिघलता जाएगा और उसके साथ साथ वो खील जैसा या मखाने जैसा हल्का बन जाएगा। ये हमने बना के रखा है, दूसरी कटोरी में आप देख सकते हैं, ये है, इस तरह का बन जाएगा, बिल्कुल हल्का सा, और उसको बारीक पीस कर आप एक किसी कांच के शीशी में भरकर रख लें। दोस्तों, बस दवा तैयार है। जब भी किसी को घर में जुकाम हो तो उसमें आधा ग्राम गर्म पानी के साथ दिन में 3 बार लेने से पहले ही दिन में फायदा लग जाएगा, और दूसरे दिन जुकाम और नजला जैसी प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, अगले दिन उसका नामो निशान मिट जाएगा, आपको ऐसा बिल्कुल उसे छुटकारा दिला देगा कि जैसे आपको नजला जुकाम हुआ ही ना हो। दोस्तों, इसका सुहागे को फूला बनाने की विधि हम आपको बता देते हैं। सुहागा लें, थोड़ा जितना भी आप लेना चाहें उतना रख लें, और उसको खील बनाने के लिए या उसको फुलाने के लिए, शुद्ध करने के लिए बारीक कूट कर उसको, और लोहे की स्वच्छ कढ़ाई में या लोहे के तवे पर तेज आंच पर इतना पकाएं कि वह पिघलने के बाद सूख जाए और धीरे धीरे फूलने लगे, खील जैसा फूलने लगता है, मखाने की तरह फूल जाता है। फूलने के बाद थोड़े थोड़े समय बाद लोहे की या किसी भी छुरी से उसको उलटते पुलटते रहें ताकि वो अच्छे से चारों तरफ से सुहागा पक जाए और उसका खील जैसा पार्ट बन सके। दोस्तों, इस नजले और जुकाम से छुटकारा पाने के लिए एक दूसरा विकल्प भी हमारे पास है। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं जो मैं भूल गया बतानी, यदि बच्चों को इसकी दवा देनी हो, इस सुहागे की दवा देनी हो, तो आधा ग्राम बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए उसकी भी आधी मात्रा कर दें। दोस्तों, नजले जुकाम से छुटकारा पाने के लिए एक और विकल्प हमारे पास है, 7 काली मिर्च और 7 बतासे एक पाव पानी में पकाएं, चौथाई रह जाने पर इसे गर्मा गर्म पी लें और सिर तथा सारा बदन ढककर 10 मिनट के लिए लेट जाएं, यानी कोई बड़ी सी या थोड़ी मोटी सी बेडशीट लें, चादर लें, और उसको सिर से पैर तक ओढ़कर लेट जाएं 10 मिनट के लिए। सुबह खाली पेट और रात को सोते समय दो दिन के प्रयोग से आपका नजला जुकाम बिल्कुल भाग जाएंगे। 2 दिन में ही नजले में
बहुत आराम हो जाएगा। इससे जुकाम, खांसी, हल्की हरारत और शरीर के दर्द में आराम हो जाता है और पसीना आकर शरीर फूल की तरह हल्का सा हो जाता है। जो यदि थोड़ा बहुत शरीर में बुखार है तो वो भी गायब हो जाएगा। उसके लिए आप 7 पत्ते तुलसी के उसके अंदर डाल लें, या पहले से ही आपके घर में छाया में सुखाए हुए तुलसी के पत्ते का पाउडर हो तो उसमें से एक चुटकी पाउडर उसमें डाल लें, तो जो हल्का सा बुखार है उससे भी आपको राहत मिलेगी, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, ये था आज तक के लिए, सिर्फ इतना ही। इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और कमेंट के जरिए अपना फीडबैक ज़रूर दें। दोस्तों, इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, ये बहुत ही बहुत बार अनेकों बार इस्तेमाल किया हुआ है और बहुत ही अच्छा नुस्खा है। दोस्तों, इस नुस्खे को आप अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा उन सबको भी मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारी वीडियो, हमारा नुस्खा आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के सिर्फ इतना ही। जल्दी फिर हाजिर होंगे कुछ नए मर्ज और उनकी आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।